जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले की पूरे देश में निंदा की जा रही है। नाहन में भी इस घटना पर आक्रोश देखने को मिला है। नाहन में स्थानीय लोगों द्वारा एक आक्रोश रैली निकाल पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रैली निकालने वाले लोग यहां स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां शहीदों को याद कर कैंडल जलाकर शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि आज देश को इस तरह की घटनाओं से कड़े रुख से निपटने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटना को दोबारा होने से रोका जा सके। सभी ने भारत सरकार से इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग रखी है। स्थानीय निवासी राजेश शर्मा ने कहा कि इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। आज पूरा देश शहीद परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिम्मेदार वही है इस आतंकवाद के, और ये आतंकवाद धीरे धीरे हमारे पूरे देश में फैल रहा है। कश्मीरी लोग कहीं ना कहीं आज भी पाकिस्तान प्रायोजित हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में नासूर बनेगा। कार्रवाई हमें पूरा विश्वास है अपनी भारतीय सेना पर कि जिस तरह से आज उनके हाथ खोल दिए गए हैं, कार्रवाई सेना करेगी, और हमें सेना पर मान है। वो जो करेगी जायज़ करेगी, हमारे फेवर में करेगी, हमारे पक्ष में करेगी। भारत माता की जय। गुजर रहा है वो परिस्थिति शायद पाकिस्तान की तरफ से जितनी है उससे ज़्यादा हमारे बीच में जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं उनकी तरफ से है। कल जो आतंकवादी हमला सीआरपीएफ के जवानों में अवंतीपुरा पुलगांव में हुआ, वो हमारे ही देश के नागरिक ने जो कश्मीर से था उसने किया। मैं कहता हूँ कि जहाँ तक कश्मीर में आतंकवाद का सवाल है, ठीक है वो पाकिस्तान प्रायोजित है, पर कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान हमारे ही लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे ही खिलाफ। सबसे खतरनाक वो लोग हैं हमारे बीच में जो लोग अपनी पहचान भारतीय बताने के बाद भी पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, बेझिझक काम करते हैं, और पाकिस्तान उन्हीं लोगों के दम पे हमें हराने की, हमें मिटाने की, हमें तड़फाने की बातें करता है, और हमारे सैनिक बिना लड़े वो शहादत देते हैं जो शहादत किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ बस इतना कहूँगा कि हम लोग सभी इस हमले को लेकर कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं। अपनी भारतीय सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान को एक कड़े शब्दों के साथ साथ, चेतावनी के साथ साथ एक हमले की भी ज़रूरत है।